दोस्त रोहित मिश्रा एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक। पांच फार्मूलों पर आधारित है। यहाँ पे वन बाय वन फार्मूलों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो फार्मूला है हमारा सी और सी है, यानी कि इसको हम एल्किल समूह के नाम से जानते हैं और बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है। और जब ऑक्सीजन बीचों बीच होता है एल्किल समूह के, इसको ईथर कहा जाता है, क्योंकि एथिल ये जो मेथिल है दो बार है, एक बार ये एक बार ये, इसको हम लोग पढ़ेंगे डाई मेथिल ईथर के नाम से जानते हैं। इसके बाद इस एस्त्री की जगह हमने C2H5 कर दिया है। C2H5 और C2H5 को कहते हैं हम लोग डाई एथिल ईथर कहते हैं, यानी C2H5 का नाम होता है ईथिल, ये दो बार है इसलिए इसका नाम क्या होगा डाई एथिल ईथर। इसके बाद मित्रों हम चर्चा करना चाहेंगे C6H5 की, इसका नाम होता है फेनिल, दो बार है तो डाई फेनिल और बीच में ऑक्सीजन लगा है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग डाई फेनिल ईथर के नाम जानते हैं। सी3 CHH इसका नाम एस्टिक अम्ल होता है जो कि कई कार्बनिक अभिक्रियाओं में यूज होता है। HCHH को हम लोग जानते हैं फार्मिक अम्ल के नाम से, और ये एक महत्वपूर्ण अम्ल होता है जो तमाम कार्बनिक अभिक्रियाओं में प्रयोग होता है। आज हम इन पाँच फार्मूलों के बारे में चर्चा करेंगे। अगली कक्षाओं में तमाम अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा होगी और यूपी बोर्ड परीक्षा में कक्षा 11, 12, 10 और 12 के विद्यार्थियों पर हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा और प्रयास ये रहेगा कि परीक्षाओं में अंक आपके बेहतर आ सकें और परफॉर्मेंस आपकी बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच।